हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज किस वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल पर कैसे ग्रिड बना सकते हैं, और कुछ दिन में पबजी भी आ रहा है तो उसका भी ड्राइंग कर लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च करना है ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको फाइल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल सिलेक्ट कर लेना है, और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप पेज की साइज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जिस भी साइज की पेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं गैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पबजी की ये वाला पोस्टर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको क्रॉप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको साइज सिलेक्ट कर लेना है। मैं 30 कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अगर वहाँ पर 30 करोगे तो आपको 3, 6, 9, 12 ऐसे मार्क कर लेना है, और अगर आप 15 करोगे तो आपको 1.5, 3, 4.5 ऐसे मार्क कर लेना है, और अगर आप 10 करोगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे मार्क कर लेना है। तो 10 के मतलब है 1 सेमी, 15 के मतलब है 1.5 सेमी, और 30 के मतलब है 3 सेमी। तो मैं 30 सेमी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप चाहे तो ग्रिड की कलर चेंज कर सकते हो। मैं ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो आई होप अभी आप सब लोग सीख गए हो कि कैसे आप कोई भी पिक्चर के ऊपर ग्रिड बना सकते हो। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको A4 साइज की ड्राइंग शीट लेना है, और अगर आपके पास उससे बड़ा पेज है तो A4 साइज में कट कर लेना, और रेफरेंस फोटो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ग्रिड बनाने के लिए मैं 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर 30 सिलेक्ट किया था। तो मैं 3 सेमी छोड़ छोड़ के चारों तरफ मार्क कर लेता हूँ। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। और एक बात, आप जब ग्रिड्स को बनाओगे या आउटलाइन को बनाओगे तब बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना, लाइक HB पेंसिल, क्योंकि आपको बाद में ग्रिड्स को इरेज भी करना पड़ेगा, और आउटलाइन में कुछ भी गलती होगी तो वो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना, और प्रेशर को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। तो अभी मैं दो डॉट्स को एक सिंगल लाइन में मैच करूँगा कुछ इस तरह से। और ऐसे ही दूसरे साइड में भी ऊपर और नीचे वाला दो डॉट्स को एक सिंगल लाइन में मैच करना है। तो मैं ग्रिड्स बना लिया हूँ। अभी आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो ऊपर और साइड में 1, 2, 3, 4 करके नंबर्स लिखा हुआ है। इसी चीज़ को आपको ड्राइंग पेज में भी ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं हेलमेट से स्टार्ट करूँगा, तो वो कहाँ पर है आपको रेफरेंस फोटो में फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो ऊपर से 2 नंबर बॉक्स पे, और साइड पे भी 2 नंबर बॉक्स पे। इसी चीज़ को आपको ड्राइंग पेज में फाइंड करना है। तो आप ऊपर से देख सकते हो 2 नंबर बॉक्स, और साइड से भी 2 नंबर बॉक्स। आपको यहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो बस इसी चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, कौन सी बॉक्स में कौन सी फीचर है ये आपको ऑब्जर्व करना है और ड्राइंग करना है। तो आप काफ़ी इजीली आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओगे। बस आपकी ग्रिड्स एक्यूरेट होना चाहिए, और आप जितना अच्छे रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करोगे उतना ही अच्छा आप ड्रॉ कर पाओगे। और तो कुछ यहाँ पर बताने को है ही नहीं। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ आप अच्छी तरीके से फॉलो करिए, देन आप भी बहुत ही इजीली आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।